इकुंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच। दोनों टीम सब 8-8 पॉइंट्स पे, मैच खत्म होने में बचे हैं बस 45 सेकेंड। कौन सी टीम ले जाएगी ये टाई ब्रेकर पॉइंट और बनेगी इस साल की चैंपियन? वापस दोनों टीम बराबरी पे, मैच और इंटरेस्टिंग होता जा रहा। वो एकी बेन सिंह जी गिर पड़े और ऐसे में अब ये पॉइंट उन्हें जिता सकती है सिर्फ उनकी पार्टनर। दौड़कर हवा में छलांग लगाती हुई आई उनकी पार्टनर और ये करारा स्मैश और ये हुआ टीम फिर का विनिंग पॉइंट। शाबाश पुत्र, एक बार फिर सरदार बेन सिंह ने जिता दिता उन्हां दी कुड़ी हीर कौर ने। तालियां, जोरदार ताली हो जाए, जोरदार साड़ी फिनिंग जोड़ी। और ट्रॉफी दे नाल विर्क साहब नु मिलता है मिंटी दे डब्बे दा वाउचर। यस पापा जी, आलो फड़ो स्कूटी दी चाबी, 40 के ऊपर तो चलानी नहीं देनी है मुझे, फिर मजा कहाँ आना है? ओ भाई वो तो है, अब बाप हूँ तेरा, अब बेटी की हिफाजत के लिए कदी कदी तो लगाम लगानी पैंदी है ना। पापा जी ओए चुप कर जा ते छेती बह जा, कर जाके मूली दे परौंठे नहीं खाने, आजा मूलियां लेनियां ने। मूली के पराठे छेती सस्रीकाल जी। सस्रीकाल अंकल जी। भैया जी मूली देना। थैंक यू भैया जी। चल पुत्र। भाभी जल्दी आओ, की होया क्या है? अरे भाई गिर जाओ, हम जीत गए, ये देखो। अरे वाह, वैसे ही इतनी देर करने के लिए ना तुझे मेरे से 76 पढ़ने चाहिए थे, कितने लगे सी, आज तेरा एग्जाम है, जे लेट हो गई तो, पर मेरी हीर तो जीत के आई है। और इस जीत के खुशी में आपके हाथ के मूली के पराठों से बेहतर और क्या हो सकता है? एक गलत है तो बिल्कुल सही कही है, ले आओ पापा जी। आजा पुत्र। पापा जी आज इज्जत का सवाल है, स्कूल और कॉलेज में तो टॉप कर लिया लेकिन आज अगर लॉ के एग्जाम में टॉप नहीं किया ना तो मेरी हैट्रिक टूट जाएगी। पापा जी बस अपनी मेहर बनाए रखना। लो जी ए भी कोई गल हुई, इन्ना वड्डा छड्डा टूर्नामेंट जीत के भी की मिलिया है? ताबे दे कूपन, पता है दिलखुश दे प्राणू की मिलिया सी? की? वॉशिंग मशीन। ताबे दे कूपन लाके आ गए। मम्मी जी वॉशिंग मशीन दी की लोड़ है? वैसे भी तुम्हारे जैसी दुलाई दुनिया विच कोई नहीं कर सकता, हम बेचारों को ही देख लो। क्यों बाबा जी? हाय रुपा, thank you.
भाभी, मैं ना दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपके हाथ के पराठों का अपमान बिल्कुल नहीं। ओहो मेरी प्यारी ही, मक्खन ना तो पराठे बिच लगा, मेरे पे नहीं, समझी? ओ कुड़िये, तू सारा टाइम ने खाने की बातें ना किया कर, ससुराल जाएगी ना तो मुझे ताने पड़वाएगी, जो कहेंगे कैसी चटोरी कुड़ी भेजी है। मैंने तो खाना है। पराठों से पहले आपका चेकअप। पापा जी, तुसी भी की याद करोगे, बीपी और शुगर दोनों नॉर्मल है आपका, इसलिए आज आप पेट पराठा खा सकते। इसे तो वकील नहीं, मुझे डॉक्टर बनाना चाहिए था। कोड़े मार मार के दौड़ाती है तू, पर उसी का नतीजा है जो 500 की शुगर नॉर्मल हो गई। बड़ा प्यारा पुत्र है मेरा, औलाद नंबर 2 है। पर हर चीज च नंबर 1, पढ़ाई च भी नंबर 1, खेल कूद च भी नंबर 1। वैसे हमारे औलाद नंबर 1 का भी कोई कम टैलेंट नहीं है। लूडो च ही तीर मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे, मारो जी। चंगे टाइम कनेडा भेज देंदे मैनू ते मैं करियर च भी तीर मार लेंदा। ओए हवा पानी बदलन नाल ना बंदे दी फितरत नहीं बदल जांदी। जेड़े लाहौर नहीं खट्टू ओ पेशावर भी नहीं खट्टू, समझिया? वीर जी तुसी फसे रहो लाहौर ते पेशावर दे विच, मैं जाना है कनेडा, अपना इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, तुहानू कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरमीत बख्शो मैनू। वीर जी ये कोई तरीका हुआ पापा जी से बात करने का? आप सॉरी बोलिए। मैं बोला सॉरी? इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी, इन्होंने बोला मुझसे सॉरी? पापा जी आज आप बोलो सॉरी। पुत्र एक मिनट, आप बोलो आज सॉरी, सॉरी बोलो आप। ओए, ओए, ओए। मैं तेनू सॉरी बोला, तेरा प्यो होके मैं तेनू सॉरी बोला, अरे तेनू शर्म नहीं आंदी? बख्शो मैनू। पुत्र पुत्र नाश्ता तो करके जा। ओए नवजोत नाश्ता करके जा, शर्म नहीं आ रही उन्हें? अपने प्यो नू कह रहा है कि माफी मांगो। एक बच्चे का बाप होने के बाद उसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। मैंने तो इस गल की चिंता है नवजोते कि मेरे मरण तो बाद वो अपने बच्चे का पेट भी पाल सकेगा कि नहीं पाल सकेगा। पापा जी आप बैठो। पापा जी ये पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। पापा जी प्लीज ऐसी गल्ला ना करो, एक बारी भेज दो ना वीर जी को कनाडा, क्या पता सच में तरक्की के रास्ते पे निकल पड़े। की करेगा उससे? अच्छा अच्छा ठीक है, रहन दो मिट्टी पा, अगर आपका बीपी बढ़ जाएगा ना तो ये पराठा देख रहे हो ये देर का एक हो जाना है। भाभी टिफिन दे दीजिए, मुझे एग्जाम के लिए निकलना है। पता नहीं आपके सिर पे भी क्या भूत सवार सी कुड़ी नु वकील बनांदा, कोई ऐसा काम सिखाते ना जो ससुराल जाके काम आंदा। होम साइंस की माड़ी सी बेचारी, राती 2-2 बजे तक पढ़ती रहती है। सरदारनी नवजोत कौर जी, कुछ बेचारी बेचारी नहीं है आपकी बेटी। बस तू ना अपने ससुराल वालों पे केस ना कर दी पुत्र। मम्मी जी शादी ब्याह के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। है लेकिन सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों की दुनिया तो घर परिवार होती है ना बेटा जी। और तू जो मर्जी बोल, मैंने तो मुंडा देखना शुरू कर दिया है। अच्छा ठीक है,
लेकिन आप मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढना जो अपने हाथ से पकवान बना बनाकर मुझे खिलाए। आप बिल्कुल टेंशन ना लो मम्मी जी, हमारी हीर के लिए कोई रांझा कहीं ना कहीं जरूर होगा। बाय। ओ पुत्र जी, एग्जाम तो बाद जमीन ते होंदे आई, अपनी फसल कट गई है। हां जी पापा जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जीते। ओ सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैच देखने क्यों नहीं आया? आ तू, आज ना मैंने तेरी छित्तर ऑल कर देनी है। ओ मार लेना जी, वैसे भी साडा कौन छित्तर मारन वाला। पापा हसदे भी कल्ले, रोंदे भी कल्ले। ओ तुसी पहले ए दसो, सेक्शन 279 की होंदा है? जिस तरह से तू गुस्सा आने पे कमला हो जांदा ना, कोई तेरे रास्ते में आए तो उसको जंगली सांड या सिंह मारता फिरता है। अगर उसी तरह कोई गड्डी चलाए यानी कि रैश ड्राइविंग करे ता सेक्शन 279 लागू होता है। अच्छा ए होता है, चंगा ठीक है जी। ओ बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू जीते, बाय। नवजोत, तूने 25,000 रुपए निकाल के रखे? मैंने वकील से मिलने जाना आज। इन महंगे वकीलों पे ना बड़ा पैसा लुटा चुके हम सरदार जी। बस अब मैनू तो डर लगता है किसी दिन हमें खाने के लाले ना पड़ जाए। ओए नवजोते, पैसे भी रब दे ते जमीन भी रब दी, अनाज भी रब दा, अपने नसीब च जो भी होएगा ना वो आपा नू मिलेगा। तू चिंता मत कर, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। तो पिछले साल भी हुई सी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से फसल के अच्छे पैसे कहाँ मिल रहे सरदार जी? जितना हमारी जमीन उगाती नहीं है ना, उतना तो ये मुए वकील निगल जाते हैं। सालों से तो चल रहे कोर्ट कचहरी के चक्कर, पता नहीं कब हमारे हक में फैसला होगा और कब हमारे चंगे दिन वापस आएंगे। ओए चुप कर जा नवजोत, किस दिन गलती से भी तेरे मुंह से हीर के सामने ये बात निकल गई तो सोच उस बच्ची के दिल पे क्या बीतेगी। अरे खेलने खाने के दिन है अभी उसके, और एक बात कान खोल कर सुन ले, गलती से भी हीर के कानों को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमारी हवेली पर केस चल रहा है। खेलने खाने के दिन ना चले गए सरदार जी, हम तो कोई चंगा सा घर देख के ना कुड़ी दा ब्याह कर दो, ताकि कम से कम ये तसल्ली तो रहे कि कुड़ी अच्छे दिन देख रही है। तुम्हें पता है उसकी कुंडली में ना राज करना लिखा है, राज। मैडम जी, ऐनक। निशाना लगाने के लिए नजर नहीं, इरादे मजबूत होने चाहिए सूरज सिंह। क्या बात है, हाथों में बंदूक और बैकग्राउंड में पुरानी फिल्मों का गाना, आपके अंदाज से जवाब नहीं मम्मी जी। कभी अपनी तारीफ ना करने का भी मौका दिया करो मम्मी जी, निशाना चूकता ही नहीं आपका। जिधर निशाना चूक जाए वो फिर अटवाल कैसा है ना पुत्र? एक गल भी सही है। आ जा फिर। और अटवाल्स के नाम को कार कार तक पहुंचाएगी। साड़ी है फैक्ट्री, एशिया दी सब तो वड्डी वेफर फैक्ट्री। बस एक बार बेन सिंह दी जमीन मेरे हाथ लग जाए। मुंह मांगी कीमत देकर सारी जमीन अपने नाम तो करवा रही मम्मी जी, बस एक ही बंदा है जो जिद पे अड़ा हुआ है। तुझे पता है जनरल, तेरे ते मेरे बीच की फर्क है? तू कमजोर लोगों पे अपनी ताकत जमाता है और मैंने
लोगों की कमजोरियों को पहचानने को ही अपनी ताकत बना ली है। जिद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मजबूरी के आगे उसको घुटने टेकने ही पड़ते हैं। पर इतनी आसानी से टूटने वाला बंदा नहीं है ये सरदार बेन सिंह मम्मी जी। मैंने कई बार बात की उससे। रजविंदर कौर अटवाल से तो बात नहीं की ना उसने। बुलाओ उनका। सूरज सिंह जी, मैडम जी, जमीन के पेपर रेडी कराओ। जमीन ते मैं हासिल करके रवांगी किसी भी कीमत दे। जीते ओ हां जी, तू ना पिछले जन्म में जरूर बांग देने वाला मुर्गा होगा। अलार्म क्लॉक की तरह ठीक एग्जाम खत्म करते तेरा कॉल आ गया। ओ जी, आपके लिए तड़के उठ के बांग भी दे दिया करूंगा। वो वैसे कई बार बांग देने वाला मुर्गा शाम को बटर चिकन बन जाता है जी। और तुसी ये छड़ो, पहले ये दसो पेपर कैसा हुआ, बन गया वकील? अरे ठन रख, अभी कहा 10 दिन बाद। बस अब एक आखिरी पेपर बाकी है। एक बारी फाइनल पेपर हो जाए ना, तो अगर बाबा जी ने चाहा तो हीर कौर वीर के आगे MA LLB लग जाएगा। अच्छा चलो, आ रही हूँ, बाय। हाँ जी ठीक है। लो जी चाय भी आ गई। चाय शाह लो सरदार जी। धन्यवाद जी, मैं ठीक हूं। गुलदस्ते आखिरी है। सबको तो पता है कि जमीन हमारी है, फिर ये बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है? कब लगाइए? ओ मैनू नहीं पता कब लगा जी। ओ कल शाम को पाजी नहीं तो लगाए बोर्ड। तू बोल ना कि जीते ने लगाए। जीते ने बोर्ड क्यों लगाया? किसकी बुरी नजर तो नहीं है हमारे जमीन पे? रब जब आपको ऐशो आराम से रहने का मौका दे रहा है सदा जी, तो फिर ठीक क्यों रहना? उस जमीन ते मैं एशिया दी सब तो वड्डी वेफर फैक्ट्री पाना चाहनी है, ते उसके लिए मैं आपको पूरे 3 करोड़ रुपए देने को तैयार। 3 करोड़ सरदार जी बहुत वड्डी रकम होती है। बंदा सारी जिंदगी भी अपनी एड़ियां घिसदा रहे ना, ते इन्ना पैसा नहीं कमा सकता। ताड़े बाल बच्चियां दी जिंदगी सवर जानी है। गल ते तुसी ठीक कह रहे हो भैन जी। लेकिन जमीन हम जट्टों की मां होंदी है, ते कोई पुत्र अपनी मां दा सौदा नहीं करता। हम जट अपनी जमीनों पर खेती करते हैं ना, तो देश का पेट भरता है। और आप जैसे लोग उन जमीनों पर वेपर्स की फैक्ट्री लगा देंगे, तो आने वाली नस्लें क्या वेपर्स खा के जिंदा रहेंगी? कीमत चाहे जो भी होवे, मैं अपनी जमीन नहीं बेचनी। सर्वत भला। मैं समझ नहीं आता गुलदस्ते, जिस जमीन पे लोगों का जन्म होता है और जिसमें एक दिन सबनों मिल जाना है, इसके लिए लड़ते क्यों है लोग? हर जगह अपना बल दिखाना जरूरी था नहीं होता ना? जब प्यार पर गलों से गल ना बने ना, तो बल अजमाना ही पड़ता है। जो अटवाल के आगे नहीं झुकेगा, उसको टूटना ही पड़ता है। पापा जी ने हमेशा तोड़ने की नहीं जोड़ने की सीख दी है। अब चाहे वो रिश्ते हो या दिल, बड़ा वही होता है जो दुश्मन दी भी खैर मांगे। मंगन दा वक्त पूरा हो गया चन्नैल, उन छिन्नन दी बारी है। उस सरदार नू अटवाल से नाल ये जंग
बहुत महंगी पड़ने वाली है। और अगर कोई फिर भी ना माने ना, तो जंगे लड़ना हम सिखों की विरासत है। हक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। हिम्मत कैसे हुई सरदार की हमसे आंखें मिला के हमारे ऑफर को ठुकराने की? पानी पी जा नहल ते ठंडा हो जा, देख मेरे चेहरे की तरफ, है एक भी शिकन? तेरे गुस्से की ये आग कहीं तुझे ही जला के राख न कर दे पुत्र। इस आग को ना मम्मी जी, ये पानी ठंडा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ना पुत्र, आग तो पानी में भी लग सकती है। और अब उस सरदार का गुरूर इस आग में जल के स्वाहा हो जाने वाला है। मतलब? मैं समझा नहीं। बिना पानी की जमीन तो बंजर हो जाती ना पुत्र जी, और जो जट जमीन को अपनी मां मानता है वो अपनी मां को बंजर होते हुए कैसे देख सकता है? साड़ी मोटर साड़ा पंप नहीं देते पानी। फसल का पानी रोकना आईपीसी सेक्शन 430 के तहत जुर्म है। अंदर करवा देना तुझे तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हाय कुड़ी, बड़ी कानून दी गल कर दी है। साड़ा तो अपना ही कानून है, सेक्शन मोहब्बत, सेक्शन इश्क, सेक्शन झप्पी, सेक्शन पप्पी। बकवास बंद करो और पानी शुरू करो। अच्छा पानी चाहिए? लो जी सुन लो, मैडम को पानी चाहिए, पानी दे दो। कोई गल नहीं, दे दिन्ने पानी भी। सूरा सो पहचानिए जो लड़े तीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभौ न छड्डे खे, कभौ न छड्डे खे। सारा पानी सुख जाना है, लेकिन जट दे खून का उबाल कट नहीं होना। बाज लड़ावा, सवा लाख नाल एक लड़ावा। तभी गोविंद सिंह नाम कहावा। ओ
अपने कानून तो समझा लिए तुम लोगों ने, हुन जरा मेरे सेक्शन भी सुनते जाओ। सेक्शन 76। आ सेक्शन मुक्का, ते आ सेक्शन लत। ये पग सिखों की शान भी है और एक जट के हिफाजत के लिए बाबा जी का आशीर्वाद भी। तेरे वार से मेरी पग तो नहीं हिली, लेकिन हुन मैं तेरे अंजर पंजर हिला देना है। जीते थे कौन ये लोग? ओ जी तुसी टेंशन ना लो, वैसे भी खेतों में जब चूहे घुसने लगे ना तो समझ लेना फसल चंगी हुई है। ऊपर आज की मार के बाद ना इन्होंने वापस अपने बिल से बाहर नहीं आना। जीते तूने ऐसे बातों में उलझा के मुझसे सच छुपाने की कोशिश ना कर, सच सच बता क्या कोई है जो हमारी जमीन के पीछे पड़ा हुआ है? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ पापा जी भी बहुत टेंशन में रहते हैं, फिर जमीन पे ये बोर्ड लगा हुआ देखकर, और अब ये गुंडे, चल क्या रहा है? ओ मैं क्या ना, कुछ नहीं चल रहा जी, और वैसे भी ओ ये पास के पिंड वाले ना, ओ ये फसल चोर हैं, हमारी नहीं जी, और सबकी फसलों पर नजर है इनकी। और एक बात और, मेरे होते हुए ना कोई आपकी फसल से एक कंकर तक नहीं उठा सकता, आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? टेंशन छोड़ो, आ जाओ मैं तुम्हें थोड़ी फसल दिखा देना, आ जाओ।